बीजेपी में जारी मंथन बैठकों के दौर को लेकर अब सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां बीजेपी इन बैठकों को सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अब इन बैठकों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सरकार के लोग भी समन्वय बढ़ता है जी, कामकाज में सुधार भी आता है, कुछ हम लोगों को शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। और कुल मिला के संतोष जी का ये था कि आपको संगठन से क्या अपेक्षा है, मंत्रियों को तो सबने अपने बताया कि हमको संगठन के साथ में ये सहयोग मिल जाए, वैसे तो मिलता ही है और भी सहयोग मिल जाए। विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने कामकाज के बारे में ब्यौरा दिया। असल में बीजेपी घबराई हुई है और खास करके हमारा मुख्यमंत्री घबराया हुआ, और मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी भी जो इन्होंने इंटरनल सर्वे कराया है आरएसएस ने, उसमें शिवराज चौहान के नेतृत्व में अब इनकी सरकार 2023 में बनने वाली नहीं है। इसलिए लंबी लंबी बैठकों का दौर, और बार बार मोहन भागवत कभी भोपाल आते हैं, कभी इंदौर जाते हैं, कभी ग्वालियर जाते हैं। ये छुपा हुआ एजेंडा है राजनीति का इनका, तो ये इतनी लंबी लंबी बैठकें कभी आपने भी नहीं देखी होंगी पत्रकारों ने, कभी ये बैठक कभी वो बैठक। तो असली मकसद ये है कि 2023 में सत्ता पाना, शिवराज के नेतृत्व में ये उस सत्ता की पुनः प्राप्ति 2023 में नहीं कर पा रहे, इसलिए ये या तो ढूंढ रहे हैं कि शिवराज को हटा के कौन सा चेहरा लाएं, तो वो कवायद भी हो सकती है इसके पीछे।